राम राम दोस्तों, भाई फिर से एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई। शाम के भाई 5 बजे, तो भाई इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने वाला ब्लॉग कंप्लीट करा आपका, वो ग्रॉटिंग वाला। मैंने सोचा तो भाई कुछ नया हो रहा तो भाई एक और ब्लॉग बना दूं। तो भाई अभी बैठे हैं भाई खेत में, बरसी के हो ये रहा है भाई, खेत में चल रहा है भाई रूटर वेटर, ये देखो। और अभी नीचे एक और खेत है जो अभी जिसका मुंडा भुक्का था, पत्ती जलाई थी, अब उसमें भी रूटर वेटर चलेगा, अभी दिखाएंगे आपको अच्छे से। तो भाई पहले इसके मजे लो। तो भाई बैठे थे, टुल्लू को लग रहे मच्छर। टुल्लू क्या बात होगी? अरे यार मच्छर काट रहे हैं, भयंकर दिखते। क्या करे भाई, ये देखो भाई टुल्लू हो गया मच्छरों से परेशान। और देखो पप्पू भाई जी की तरी नहीं अभी तक। अभी दिन में पैक मार लिया क्या? हाँ। तो भाई ये वाला तो अपना खेत निपट गया, अब ये वाले खेत में ये रूटर कर रहे हैं। अभी देखना भाई। तो ये देखो भाई रूटर की कितनी जान रहे हो भाई। अभी यहाँ पे घास है ना, एकदम कितनी जान रहती है, एकदम प्लेन कर रहे हो आप। पीछे देखो यार, भाई यो देखो ड्राइवर साहब, या तुम आके देख लो, ये पैर पूर पैन कर दिया हमारे। भाई सफाई देखो, एकदम डॉल एकदम सिद्धि कर दी इनने स्केल की तरह। भाई ड्राइवर साहब तो थक गया, मामा गए, मामा कह रहे ला भाई मैं करूँ आप। हाँ जी क्या बात होगी? ट्रैक्टर क्यों छोड़ दिया? नहीं हमने नहीं छोड़ा अभी तो उल्टे काम मत कर रहा यार। ना यार ऐसा नजारा शर्मा होनी। अरे लाखों की जनता पूछ रही कितना टाइम हो गया ट्रैक्टर चलाते हुए, कितना टाइम हो गया ट्रैक्टर चलाते हुए? 84 बाप रे, 1983 के ड्राइवर है। 1984 किसका चलाते थे सबसे पहले? पहला चलाता था डोईवाला मोहन का। हाँ, जड़ौन में सबसे पहले किसका चलाया? जड़ौन में तो मेरी बात सुन, जड़ौन में मैंने किसका चलाया नहीं, पहले चलाता था। तो ये किसका है फिर? ये तो जड़ौन वाले का ही है। ये तो बहुत बात में आया यहाँ पे। अच्छा, ये पहले खनन माफिया होगा ट्रैक्टर चलाते थे। तो फिर अरे यार तो भाई एक से एक मजे में ड्राइवर है भाई, है कि नहीं है? सही बात है। हाँ शर्मा रहे यार ये तो। और कितने पैर? कोई चक्कर नहीं, ठीक ठीक बताओ कितने। शिवरात्रि की अलग है आज। वो आपकी आप दोगे दाव तो मजा। शिवरात्रि का जिसका आज तारा लग गया है। नहीं आप दोगे वो। मैं कहाँ से लाऊं, मुझे क्या मानना। तो लो भाई इस खेत में भी निपट गया ये। अब मामा तो जाएंगे भाई वो परले वाले खेत में, और हम जाएंगे भाई अब घर को। क्या चीज? मैंने चाय बोला था तुमको। चा तो चाल आ भाई फटाफट। कौन सी अदरक वाली की मसाले वाली? अदरक वाली। चाय। भाई आज सोच रहा था बाल कटाऊं, आज तो टाइम निकल गया भाई, अब तो कल सुबह देखेंगे बाल बुल कटाने का। भाई कमेंट करके बताओ भाई ये बाल ठीक लग रहे क्या कटवाऊं भाई ने। पर भाई जब तक तुम कमेंट करोगे ना तब तो कट कुट के एक तरफ हो जाएंगे भाई। ये बात है, खेत तो तुमने सरपट कर दिया मेरा एकदम। पर यो डॉलर की अभी भी लाइन दिख रही मुझे। यही तो कलाकार है, यही तो हटानी थी। गाइस क्या हो गया? गाइस हो गया बुग्गी का है। यो बुग्गी का हो गया। यो बुग्गी का है कि नहीं है?
हमारी बुग्गी का आयो जो मर्जी बोलते तो वीडियो बना के कुछ भी कर तो मेरे से ले नहीं सकता सिंगल ना। अरे हमें चाहिए भी नहीं हमारी बुग्गी का थोड़ी हो। नहीं है बुग्गी का, वो तो उसी का एंगल दे रही की पता लग गया बुग्गी का ही है। बस घुस लो भाई, हमारी मुंडा फूक गया भाई। अपने तो खेत भाग लिए, अब तो चले भाई अपने घर को। लो भाई टुल्लू को तो मिल गया। टुल्लू क्या है भाई, यो कचरी खाने का दिमाग है भाई। भाई इसे बेचेंगे, होगा 2 किलो का, और फिर खाएंगे भाई उंगली आड़ी कचरी। पता नहीं किस किसने बचपन में कचरी खाई अपने घर से सामान बेच लेती। मैंने तो अखबार बेच बेच के भाई बचपन में क्या क्या मैं वो आवे था, क्या क्या आइसक्रीम वाला आवे था, वो कोन में देवे ना जो भर भर के, तो या तो तुम भाई 1 या 2 रुपए की ले लो, या अखबार दे के या रद्दी दे के दे लो। तो भाई हमने तो भाई अखबार सारे जो ताज़ा ताज़ा अखबार तक बेच बेच के भाई आइसक्रीम खाई। उस टाइम का भाई अलग ही स्वाद था। टुल्लू तो बहुत छोटा होगा, टुल्लू बहुत छोटा था, इसे हम गोद में खिला रहे थे। अब देखो ये हमें गोद में खिला ले। अरे ये हमें खिला लेगा गोद में। ये आगे मेन रोड पे भाई, जय खेड़े बादशाह जय भोलेनाथ। लो भाई सुबह आपको दिखाया था इंटीरियर लुक घर का, जो रफ टप अभी बन गया, और यह है बाहर का। ये वाला गेट भाई हटेगा और ये पूरा का पूरा भाई 20 फुट का नया गेट बनेगा यहाँ पे। ब्लॉक को करते हैं एंड। असल में क्या है यार, वो डाली भैया को आना था, तो असल में वो है जब ग्रॉटिंग हो रही थी ना, तो कुछ लकड़ी का टुकड़ा गिरा था, तो उससे तार हो गई शॉर्ट, अंधेरा बहुत हो गया। तो भाई इस ब्लॉक को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। जय बूढ़े बाबा।